वेल स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फोर क्या कह रहा है, राइट फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड बाई बी आंसर विल बी माइनस थ्री। जैसे एक एग्जांपल दे रखा आपको सिक्स कॉमा माइनस टू का, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर में, आपको ऐसा फाइव पेयर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं जिसमें, ठीक है, एक इंटीजर को डिवाइड करने में दूसरे इंटीजर से आंसर आपका क्या आता है, आपका नेगेटिव में थ्री आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर देखा है सिक्स देखा और माइनस टू देखा है ना, सिक्स को अगर हमने माइनस टू से डिवाइड किया तो आंसर आपका माइनस थ्री आया। तो ऐसे कोई एग्जाम्पल चूज कीजिए अपने हिसाब से, आपने अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, या तो ऐसा कर सकते हैं बच्चे, कोई भी एक नंबर ले लो उसका थ्री मल्टीपल्स देख लो पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मैंने एक नंबर लिया थ्री लिया, ठीक है। थ्री का थ्री मल्टीपल्स क्या होगा, थ्री इंटू थ्री नाइन होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सपोज क्या मैंने एक एग्जाम्पल है नाइन, अगर मैं नाइन को डिवाइड करता हूं थ्री से तो आंसर मेरा आ रहा है थ्री आ रहा है, थ्री थ्री टाइम्स में नाइन होता है। लेकिन हमने क्या करना है, माइनस थ्री से डिवाइड करेंगे तभी आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव में। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। माइनस थ्री तो चाहिए था, तो फर्स्ट पेयर हमारा हो गया माइनस थ्री, ठीक है, नाइन को माइनस थ्री, ठीक बच्चे। ओके, तो फर्स्ट पेयर तो हमारा ये हो गया, ठीक है। सेकंड पेयर हम देखते हैं, हम फाइव थ्री से फिफ्टीन ले लेते हैं, है ना। फाइव थ्री से फिफ्टीन की बात कर रहे थे, यानी कि फिफ्टीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय फाइव। आपको चाहिए बच्चे, फाइव थ्री से फिफ्टीन होता है ऑब्वियसली बात है, लेकिन आपको चाहिए माइनस थ्री में चाहिए, माइनस थ्री में चाहिए। या तो आप माइनस को फिफ्टीन को माइनस कर दिया, फाइव को माइनस में कर दिया, तो आंसर हो गया माइनस थ्री, माइनस थ्री। तो एक और हमें इंटीजर मिल गया, पेयर ऑफ इंटीजर, एक तो गया माइनस फिफ्टीन कॉमा फाइव, ठीक है बच्चे। दो पेयर ऑफ इंटीजर्स मिल गए, तीन और चाहिए। ऐसी एज इट इज करके आप और भी ले सकते हैं, या ले सकते हैं बच्चे थर्टी ले लो, माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय टेन कर लो, ठीक है। माइनस थर्टी को अगर आप टेन से डिवाइड करिए तो आंसर विल बी माइनस थ्री आएगा, तो ये हमारे एक इंटीजर आ गया माइनस थर्टी कॉमा टेन आ गया, पेयर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। पेयर मीन्स होता है दो इंटीजर्स की हम बात करें, क्लियर बात समझ में आ गई। ऐसी फोर्थ वन भी ले लो आप, फोर्थ इज द ट्वेल्थ कर सकते हैं, फोर्थ इज ट्वेल्थ, ठीक है। ट्वेल्थ को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, फोर से, ठीक है। आंसर हमारा नेगेटिव थ्री चाहिए, है ना, तो हम कहेंगे माइनस फोर, तो हमारा फोर्थ पेयर बन गया ट्वेल्थ कॉमा माइनस फोर। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें आंसर माइनस थ्री चाहिए, इसलिए हमने उसके मल्टीपल्स किसी भी नंबर का हमने थ्री मल्टीपल्स वाला ले लिया, ठीक है, उसके थ्री टाइम्स वाला ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए इजी हो गए कैलकुलेशन, ठीक है। एक और हमें एग्जाम्पल लेना है फिफ्थ पार्ट में, जैसे हम ले सकते हैं एटीन ले लेते हैं, ठीक है। सिक्स थ्री टाइम्स में एटीन होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, माइनस एटीन ले लो या माइनस सिक्स ले लो, ठीक है, डिवाइड बाय सिक्स, द आंसर इज माइनस थ्री। तो एक पेयर हमें और मिल गया माइनस एटीन कॉमा सिक्स, ठीक है। तो हमें पेयर मिल गया वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। एज इट इज आप जो है बहुत सारे पेयर बना सकते हैं इंटीजर्स के, जरूरी नहीं कि यही है आपके होंगे, इसके अलावा भी आप और इंटीजर्स ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आई, नहीं आई तो डाउट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, वेल डन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की।